भाजपा मंडल धर्मशाला व जिला मीडिया प्रभारी राजेश शर्मा ने धर्मशाला में पत्रकार वार्ता करते हुए पूर्व मंत्री सुधीर शर्मा व कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि धर्मशाला में हो रही मूसलाधार बारिश के कारण कई स्थानों पर सड़कों, डंगों और लोगों के घरों को नुकसान पहुंचा है, लेकिन जनता के चुने हुए प्रतिनिधि व उप महापौर काठमांडू में मौज मस्ती करने में व्यस्त हैं और उन्हें धर्मशाला के लोगों के दुख से कोई वास्ता नहीं है। राजेश शर्मा ने कहा कि दुख की इस घड़ी में पार्षद और उप महापौर धर्मशाला के लोगों के साथ खड़ा होने चाहिए थे, लेकिन वे काठमांडू में हनीमून पर व्यस्त चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि धर्मशाला में जनता त्रस्त है और पार्षद और उप महापौर काठमांडू में मस्त हैं। भाजपा जिला मीडिया प्रभारी ने आरोप लगाया कि धर्मशाला नगर निगम में काबिज कांग्रेस के कारण धर्मशाला के विकास की गति रुक गई है और नगर निगम में अराजकता का माहौल फैला है। राजेश शर्मा ने कहा कि निगम में कांग्रेस पार्षदों के बहुमत होने के कारण स्मार्ट सिटी के कारण पर ग्रहण लग गया है और पिछले 2 सालों में धर्मशाला स्मार्ट सिटी नहीं बल्कि डर्टी सिटी में तब्दील हो चुकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्षद ना काम करते हैं और ना काम होने देते हैं, जिसकी वजह से विकास रुक गया है। उन्होंने कहा कि नगर निगम में कोई भी बैठक नहीं हो रही है, जिसके चलते विकास कार्यों पर चर्चा नहीं हो पा रही है। मीडिया प्रभारी ने कहा कि धर्मशाला में सफाई व्यवस्था भी चरमरा चुकी है। उन्होंने कहा कि सफाई व्यवस्था के लिए 16,53,000 का टेंडर बांटा गया है, लेकिन ठेकेदार के साथ एग्रीमेंट ही नहीं किया गया है और कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से इस टेंडर की अवधि 3 साल के लिए बढ़ा दी गई है। उन्होंने कहा कि भाजपा के मनोनीत पार्षदों द्वारा की गई जांच में ये बात सामने आई है कि सफाई व्यवस्था के लिए टेंडर में 140 सफाई कर्मचारियों के स्थान पर मात्र 40 सफाई कर्मी ही मौजूद पाए गए हैं। उन्होंने कहा कि सफाई कर्मचारियों के नाम पर नगर निगम में बड़ा घोटाला हुआ है। उन्होंने सरकार, स्थानीय विधायक व मंत्री किशन कपूर से इस मामले में निष्पक्ष जांच करवाने की मांग भी की। आज की जो प्रेस वार्ता थी उसका जो विश्लेषण है वो कांग्रेस के पार्षद काठमांडू में मस्त और धर्मशाला की जनता त्रस्त। आज हमें यहाँ पे आपके सामने यहाँ आना पड़ा कि जितने भी कांग्रेस के पार्षद हैं लगभग वो काठमांडू घूमने गए हैं और शहर में गलियां, लोगों के घर और सड़कें ढह गई हैं और वो अपने दौरे पे हनीमून मना रहे हैं। आज उनको यहाँ लोगों के साथ अपने क्षेत्र में कंधे के साथ कंधा मिला के खड़ा होना चाहिए था, उसके बावजूद उन कांग्रेस के पार्षदों ने 6 महीने में कोई बैठक नहीं करने दी। हमारे मनोनीत पार्षदों ने मीडिया के दबाव बना के जो एक बैठक करवाई उसमें भी उन्होंने हमारे जो मिनट्स टू मिनट मुद्दे थे उनको काट दिया और मीडिया, यहां तक कि मीडिया के लोगों को भी दीर्घा में बैठने नहीं दिया गया। तो हमारे मनोनीत पार्षदों ने उनको कानून बताया और उन्हें सुझाव दिया और ये बोला कि मीडिया के और जो पब्लिक की सहभागीदारी है वो भी बैठक में जरूर होनी चाहिए और उसको बैठने दिया जाए। उसके बावजूद पूर्व में रहे मंत्री सुधीर जी कहते हैं कि मैं बहुत व्यथित हो गया। क्यों व्यथित हो गए? कि माननीय मंत्री श्री किशन कपूर जी उनके कांग्रेस के समय में दिए गए टेंडर की जांच करते हैं, करवाते हैं और ठेकेदार को कहते हैं कि आप बेईमानी छोड़ के ईमानदारी से काम करिए, इसलिए उनका मन व्यथित होता है। हम ये जानना चाहते हैं कि जो शहर के लोगों ने उन्हें और गांव के लोगों को गुमराह किया था कि जब स्मार्ट सिटी आएगी तो साथ में ली हुई पंचायतों के लोगों को भी स्मार्ट सिटी में शामिल किया जाएगा, वो उन्होंने क्यों नहीं करवाई? उस समय कांग्रेस की सरकार में वो नंबर 2 के मंत्री थे, अच्छी पैठ रखते थे, क्या वो इस काम को नहीं करवा सकते थे? मगर उन्होंने जानबूझ के ये रोटियां सेकी, राजनीतिक रोटियां सेकी और लोगों को गुमराह किया। इसके अलावा कांग्रेस के लोग कुछ नहीं कर सकते हैं और कहते हैं कि हमने 60 सालों तक तरक्की की। हम भी कहते हैं कि तरक्की की, पर आपने अपने घर की तरक्की की है। आज
उनके घर के लिए स्ट्रीट लाइटें और पक्की सड़कें हैं और लोगों के घरों में पानी घुस रहा है और उनके घर तक गिर गए और नालियां जो हैं वो आज की डेट में खड्डे बन गई हैं। क्या ये तरक्की करी है उन्होंने 5 साल में? आज धर्मशाला की जनता ये उनसे पूछना चाहती है कि आपने क्या काम किए हैं और वो यहां पे उन कामों को गिनवाएं और उनको पारदर्शिता लाए। और हम चाहते हैं, धर्मशाला की जनता चाहती है कि जो भी कमेटी में काम हो उसमें जन लोगों की सहभागिता हो और सहभागीदारी हो। धन्यवाद। आप क्या मांग, सरकार से क्या मांग करते हैं? हम मांग सरकार से ये मांग करते हैं कि जो हमने लिखित में हमारे पार्षदों ने, मनोनीत पार्षदों ने इनकी इंक्वायरियां के लिए इनके जो कंप्लेंट्स करी हैं उनकी निष्पक्ष एजेंसी से जांच हो, और जो एक सबसे बड़ा घोटाला ये सफाई कर्मचारियों के साथ था, वो टेंडर किया गया था, तो इन्होंने कुछ समय पहले टेंडर किया था 1 साल पहले, और उस टेंडर को 3 साल के लिए बिना किसी एग्रीमेंट के दोबारा से बढ़ा दिया गया। क्या ये घोटाला नहीं है? इसकी जांच होनी चाहिए और दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, जिसमें हमारे मनोनीत पार्षदों ने ये भी चेक किया वहां पे जाके अधिकारियों के साथ, संबंधित अधिकारियों के साथ ये भी चेक किया जाके कि कितने एम्प्लॉई हैं, कितने सफाई कर्मचारी हैं, और 140 इन्होंने बताया, 140 में से 40 के आइडेंटिटी कार्ड मिले और 40 लोग ये बाहर से उठा के लेके आए, और उसमें कमेटी के अधिकारी भी शामिल हैं। हमारी ये मांग है, पुरजोर मांग है कि हम अपने माननीय मंत्री जी से भी और माननीय मुख्यमंत्री जयराम जी से भी ये गुजारिश करते हैं कि इसकी निष्पक्ष जांच कराई जाए और इसको तुरंत, इस टेंडर को तुरंत प्रभाव से बंद किया जाए। धन्यवाद।